क्या लगता है? तुम यूं ही मेरे सत्या के अंदर पाप भरते रहोगे और मैं खड़ी खड़ी देखती रहूंगी? नहीं, मैं अभी अभी कहीं ना कहीं से वो अंगूठी ढूंढ ही लूंगी। मुझे नहीं मिलेगी, मुझे सत्या से ही पूछना होगा। सत्या, सत्या याद करने की कोशिश करो, तुमने आखिरी बार अंगूठी कहाँ देखी थी? सत्या, मुझे मुझे मिल नहीं रही है। मुझे बताओ, मैं जानती हूँ अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, पर याद करो कहाँ रखी है तुमने वो अंगूठी। क्या कर रहे हो? मारो इसे, मारो। एक दिन अचानक किसी ने अच्छे भाई की हत्या कर दी। एक राक्षस ने। उस राक्षस ने उसे बेरहमी से मार डाला। इतनी बेरहमी से कि उसका शरीर पहचानने लायक तक नहीं छोड़ा। और उसी दिन वो बागी भाई अपने अच्छे भाई से मिलने वाला था, उससे माफी मांगने के लिए, पर मिल नहीं पाया। और फिर अगले दिन जब उसने अपने अच्छे भाई का मृत शरीर देखा तो वो दहल गया। उसे अपने आप से घृणा होने लगी। वो अपने आप से पूछने लगा कि आखिर वो अपने अच्छे भाई से दूर हुआ ही क्यों? वो आज तक अपने आप को कोसता है, सोचता है कि काश काश मैं उस दिन अपने अच्छे भाई से मिला होता तो शायद उसकी जान बचा सकता। और अब वो बागी भाई उस राक्षस को मारने के लिए निकल पड़ा है। सत्या, कहाँ जाओ? सत्या कहाँ?
चुप करो, मैं कहता हूँ चुप करो, शट अप, आई से शट अप। पति मिला, ढूंढो दमयंती, ढूंढो, पर कैसे ढूंढोगी? तुम्हारा सत्य तो तुमसे बहुत दूर चले गया है दमयंती। जो पाप मैंने उसके अंदर भरा है दमयंती, वो पाप उसे जीने नहीं देगा। हर पल उसका मन किसी की हत्या करने को करेगा या फिर किसी की जान लेने को। सोचो, किनारे पानी के अंदर जाओ सत्या, अब वो सब करने का समय आ गया है जो आज तक नहीं किया है। एक ऐसा जीवन का आनंद उठाने का समय आया है जो जीवन आज तक देखा नहीं है तुमने। जाओ अंदर जाओ। बहुत बुरा फंसा है तेरा पति, तेरा सत्या ना जी पाएगा ना मर पाएगा। कैसे बचाओगी तुम उसे, कैसे दमयंती? बस राहुल का, बहुत सह लिया मैंने तुम्हें और तुम्हारी घटिया तरकीबों को। अब तुम सुनो जो मैं कहने वाली हूँ। तुम्हें बस वही दिखाई देता है ना जो तुम सत्या के साथ करने वाले हो। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं तुम्हारा क्या हश्र कर सकती हूँ। मैंने तुम्हारी माँ को वचन दिया था कि तुम्हारे शरीर का हर एक अंग मैं ढूंढ कर लाऊंगा, पर एक वचन उन्होंने भी मुझे दिया था कि बदले में तुम मेरे सत्या को परेशान नहीं करोगे। तुमने आज वो वचन तोड़ दिया है तो मैं भी अपना वचन तोड़ती हूँ। मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी अंग को ढूंढकर नहीं लाऊंगी जब तक तुम सत्या को मेरे सामने नहीं ले आते। हाँ राहुकाल, अब सत्या को मैं नहीं ढूंढूंगी, तुम ढूंढोगे। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे शरीर के अंगों को लेकर आऊं राहुकाल, तो जाओ जाओ और मेरे सत्या को मेरी आंखों के सामने लेकर आओ। जाओ उसे ढूंढ कर लाऊं।